जिस अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले साउथ की फिल्मों में धमाल मचा चुकी थी। एक ऐसी अदाकारा जो है तो पंजाबी, लेकिन तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने तमिल भाषा में भी महारत हासिल कर ली थी। वे कहती हैं कि मैं शायद गलती से पंजाबी परिवार में पैदा हो गई, क्योंकि दिल से मैं खुद को तमिलियन ही समझती हूँ। उनकी खूबसूरती का जिक्र करें तो बेहद ही छरहरे बदन और खूबसूरत बालों वाली अभिनेत्री, जिनके होठों के ऊपर का तिल उनकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, जब हिंदी फिल्मों से सिनेमा के पर्दे पर आई तो युवा वर्ग उनका दीवाना हो गया। जिनकी पहली फिल्म का ऐसा असर नई पीढ़ी पर पड़ा कि उन्हें लोगों से ये अपील तक करनी पड़ी कि प्यार के चक्कर में कोई भी गलत कदम ना उठाएं। छोटी सी उम्र से ही ये अमिताभ बच्चन के लिए दीवानी थी और बड़ी होकर उन्हीं की फिल्म में हीरोइन बनकर आई। और उस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक इतिहास रचा। इनके भाई सलमान खान के जीजा हैं, तो इनका ताल्लुक खान परिवार से भी है। पर इतनी बेहतरीन अदाकारा के साथ ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें पोलैंड जाना पड़ा? जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री रति अग्निहोत्री के बारे में, जिन्होंने 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी और पहली ही फिल्म से उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी पहचान बना ली। लेकिन आप भाग क्यों रहे थे इस तरह? आप गूंगे हैं? ऊपर वाला भी क्या खेल खेलता है? आप बिल्कुल बोल आ आ हिंदी नहीं, फिर तमिल, तमिलियन। चलिए जानते हैं इस अदाकारा के बारे में थोड़ा शुरू से। रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 में मुंबई में ही हुआ था, लेकिन अपने काम के चलते उनके पिता को पूरे परिवार के साथ चेन्नई जाकर बसना पड़ा। जब रति अपनी टीनेज में थी तभी से उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक था, और इसका कारण था उनकी बड़ी बहन अनीता अग्निहोत्री, जो कि एक सफल मॉडल थी। जब इनका परिवार साउथ में आकर बस गया तो इनके स्कूल के एक प्ले के दौरान तमिल के एक प्रसिद्ध डायरेक्टर भारती राजा की नज़र इन पर पड़ी, तो उन्होंने रति के पिता से रति के लिए बात की, क्योंकि वे उन्हें अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन लेना चाहते थे। उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करे, पर भारती राजा ने उन्हें यकीन दिलाया कि सिर्फ एक ही महीने में वे अपनी फिल्म पूरी कर लेंगे और रति फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। क्योंकि बात सिर्फ एक महीने की थी तो रति के पिता ने इजाजत दे दी। फिल्म का नाम था पुदिया वरपुकल, जो ईयर 1979 में रिलीज हुई। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जहां लेकर जाती है इंसान को वहां जाना ही पड़ता है। रति के पिता तो सिर्फ एक फिल्म के लिए राजी हुए थे, लेकिन वो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और रति ने उसके बाद 3 सालों के अंदर 32 साउथ की फिल्मों में काम किया। तमिल भाषा के साथ साथ उन्होंने कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया और वे साउथ इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गई। साउथ के टॉप हीरोज जैसे रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी उनके हीरो रह चुके थे। 1981 में रति को मौका मिला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, जो उन्हें साउथ के ही फेमस डायरेक्टर के बालाचंद्र ने दिया। के बालाचंद्र ने अपनी ही तेलुगु फिल्म मारू चरित्र का रिमेक बनाने का फैसला किया। हिंदी भाषा में इस फिल्म का नाम रखा गया एक दूजे के लिए। इसमें रति को बतौर मुख्य अभिनेत्री और कमल हसन को
उनके ऑपोजिट साइन किया गया। ये फिल्म एक लव स्टोरी थी जिसका अंत दुखद होता है। फिल्म के गाने दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुए। लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल और अनूप जलोटा ने गानों के लिए अपनी आवाज दी थी और इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। 50 लाख के बजट में बनी इस फिल्म ने उस समय यानी 1981 में 10 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई जहां प्रेमी प्रेमिका अपनी जान देने पर तुल गए। तब रति अग्निहोत्री और कमल हसन ने युवा दर्शकों से अपील की कि ये सिर्फ एक फिल्म है और वे इसे एक फिल्म की तरह ही लें। प्यार के रिश्ते के नाम पर वे अपनी जान के साथ ना खेलें। ऐसा कुछ असर इस फिल्म के बाद युवा दर्शकों पर हुआ था। 1981 से 2015 तक रति अग्निहोत्री ने तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया। अगर लड़की तुम्हें कोई मिले जो खूबसूरत हो, जिसमें शौकीन में वे अशोक कुमार, उत्पल दत्त और मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई। फर्ज और कानून जितेंद्र के साथ। मेरे घर का किराया तो जला, मेरा कर्जा। आयाश, संजीव कुमार और अरुण गोविल के साथ। पसंद अपनी अपनी में वे फिर से मिथुन चक्रवर्ती के साथ दिखाई दी। हाँ, श्रीराम सेठ कहेंगे तुमसे कि हमारे नाटक कंपनी के पेटर्न बनने को। ठीक है तो बन जाऊंगा। नहीं नहीं, पेटर्न क्यों बनाया जाता है मालूम है? 10-15 हजार रुपए देना पड़ता है। तुम कहना कि तुम्हें नाटक वाटक से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। और हाँ, ये भी कहना कि तुम हिंदुस्तान के बाहर जा रहे हो 3-4 महीने। आ जाओ, खाना खा लो, सब तैयार है। नहीं नहीं, आज रहने दीजिए। नहीं नहीं, खाना खाकर जाओ ना। तुम तो कह रही थी कि मेहमानों को पहली बार खाना खिलाते हैं, लेकिन ये तो तीसरी बार। खास मेहमान को। मशाल में वे अनिल कपूर के साथ थी और कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। करिश्मा कुदरत का धर्मेंद्र और मिथुन के साथ। तवायफ में ऋषि कपूर के साथ। और हुकूमत में वे फिर से धर्मेंद्र के साथ दिखाई दी। ये सभी फिल्में 1981 से 1987 तक रिलीज होती रही। 2001 से रति अग्निहोत्री ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की, जिसमें कभी वो हीरोइन की मां बनती तो कभी हीरो की, जैसे फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में वे काजोल की मां बनी। सोचा न था में वे आयशा टोकिया की माँ बनी। ये अदिति है, मतलब इसकी पढ़ाई पूरी हो गई, कॉलेज वॉलेज सब कुछ। भाभी जी, हाँ? आप जरा लड़की को लड़के के साथ बिठाइए। हाँ? जी, तभी आइडिया लगेगा ना। हाँ, 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 हाँ। 2013 में फिल्म शादी की साइड इफेक्ट्स में वे विद्या बालन की माँ का किरदार निभाती हैं, जहाँ वो अपनी बेटी को माँ बनने से पहले करियर बनाने की सलाह देते हुए नजर आती है। इतनी जल्दी भी क्या थी? हाँ, तुम दोनों ठीक से सेटल भी नहीं हुए और तेरा जॉब 6 महीने में प्रमोशन होने वाला था ना। औरत के लिए माँ बनना भी तो प्रमोशन है मॉम। छोड़ो त्रिशा, ये डायलॉग सुन औरतों को सूट नहीं करती जिनकी सैलरी से घर चलता है। तेरे पापा के गुजर जाने के बाद जितनी तकलीफें मैंने देखी ना, मैंने चाहती कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। अपनी दूसरी पारी की सभी फिल्मों में उन्होंने अक्सर एक मॉडर्न और फ्रेंडली माँ या बुआ का किरदार निभाया। ये भी कोई तरीका होता है? क्यों, रोमियो भी तो खिड़की से आता था अपनी जूलियट से मिलने। अच्छा है, बहुत भूख लगी, कुछ मिलेगा प्लीज। इतना फ्लर्ट करोगे तो कुछ स्पेशल ही मिलेगा, आंखें बंद करो। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो खबर ये थी कि एक समय वे संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में थी और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन संजय दत्त के नशे की लत की वजह से रति के पिता ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। तो ईयर 1983 में कुली जैसी सफल फिल्म देने के बावजूद अपने करियर के पीक पर ही उन्होंने बिजनेसमैन अनिल विरवानी से 1985 में शादी कर ली।
1986 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम तनुज रखा गया। 1988 में उन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक लिया और दोबारा 2001 में फिल्मों में वापसी की माँ के किरदारों के साथ। दुनिया की नजरों में वेल सेटल रति अग्निहोत्री ने जब ईयर 2015 में अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो सभी लोग आश्चर्य में रह गए। उनके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। उस समय उन्होंने बताया कि शादी के 30 सालों में उन्होंने बहुत बार ये सब झेला है क्योंकि उनके पति पीकर वायलेंट हो जाते थे और उन पर हाथ उठाते थे, पर अब जब उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा है तो वे इस घुटन भरे रिश्ते में और नहीं रहना चाहती। इसके साथ ही रति ने अपने पति के खिलाफ कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल कर दिया। मार्च 2015 में 2 महीनों के लिए रति अपने पति से अलग रही, लेकिन अपने बेटे के कहने पर एक बार फिर से जुलाई 2015 में उन्होंने अपने पति के साथ दोबारा पैचअप कर लिया। लेकिन उसके बाद वे ज्यादातर समय अपनी बहन के साथ पोलैंड में ही बिताती हैं। रति के इकलौते बेटे तनुज वरवानी इनसाइड एज जैसी अमेजन ओरिजिनल वेब सीरीज में काम कर चुके हैं और फिलहाल वे कोर्ट एम में जेनिफर विंगेट के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ तनुज वरवानी को सलमान खान का भी सपोर्ट है क्योंकि अतुल अग्निहोत्री जो तनुज के मामा हैं, वे रिश्ते में सलमान की बहन अलवीरा के पति हैं। यूं तो अतुल अग्निहोत्री और रति अग्निहोत्री कजन्स हैं, पर वे एक दूसरे के साथ एक बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।